पुस्तक 16 अध्याय उसका 9 पद लिखा है, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। जी हाँ, संगीत परमेश्वर की स्तुति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि मैं गा नहीं सकता, मैं आनंद उच्चारण तो अवश्य कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग गाते हैं। जी हाँ, मैं सबके सामने गाने योग्य तो नहीं हूँ, परंतु अकेले में अवश्य ही गीत गाता हूँ। मेरा गाना मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, परंतु मैं परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाना पसंद करता हूँ। पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। याकूब के पत्र 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जी हाँ, हमें उद्धार पाने के लिए जो करना है वह केवल यह है कि हम मसीह के निकट आकर उसमें विश्वास करें। जी हाँ, वह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हम उद्धार पाएंगे, परंतु इससे परमेश्वर की सहभागिता का आश्वासन नहीं मिलता है। हमें इसके बाद जो करना है वह है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। क्या आप उसकी लगातार खोज करते हैं? क्या आप उसे और अधिक जानना पसंद करते हैं? प्रातःकाल सोकर जब आप उठते हैं तो आप पहली बात क्या सोचते हैं? रात में सोते समय अंतिम बात आप क्या सोचते हैं? क्या आप दिन भर परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? या आप स्कूल जाकर, काम पर जाकर, सामाजिक संगति में जाकर परमेश्वर को भूल जाते हैं? आप किसके बारे में सोचते हैं? पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय के 12 पद में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्यायवचन स्मरण करो। जब हम कुछ समय पहले चेन्नई में थे तो वहाँ एक दिन संध्या के समय अति मनोहर सूर्यास्त को हमने देखा। मैंने उस ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, ओह देखो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के काम कैसे विश्वास योग्य एवं वैभवशाली होते हैं। ज्योतिर्मय बड़ा सूर्य, आकाश और पर्वत, परमेश्वर ने सूरज को नीचे उतरने दिया और उसमें अनेक रंग भर दिए कि हम उसका आनंद ले पाएं। मेरे मित्रों, दाऊद परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। वह परमेश्वर की हस्तकला की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। आज क्या आप उसकी हस्तकला की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं? पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, हे उसके दास इसराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उस समय परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी का न्याय किया था। मेरे विचार में वह आज भी पृथ्वी का न्याय कर रहा है, मनुष्य के कार्यों में उसका हस्तक्षेप नहीं है। मित्रों, मैं जानता हूँ कि शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर है। मैं यह भी जानता हूँ कि परमेश्वर ने उसे आज के युग में काफी छूट दे दी है और वह महाक्लेश के समय स्वतंत्र किया जाएगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अंत में शैतान और उसके कामों पर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में पढ़ते हैं, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, यह वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया। जी हाँ, बहुत से लोग अब्राहम के साथ बंधी परमेश्वर की वाचा का मान घटा देते हैं। दाऊद कहता है, आओ हम इसकी चर्चा करें। परमेश्वर की वाचाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और वह उससे पीछे नहीं हटा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि वह उसे और उसके वंशजों को वह स्थान दे देगा। जी हाँ, प्रतिज्ञा का पवित्र प्रदेश।
परमेश्वर ने कहा है और वह करेगा भी। जब वे परमेश्वर के हाथों से दिया गया वह प्रदेश प्राप्त करेंगे, तब उन्हें न तो मिस्रियों से और न ही अरबों से और न ही रूस से भयभीत होना पड़ेगा। उन्हें किसी का भय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी दाखलता और अपने अंजीर के वृक्ष के नीचे शांति से बैठेगा। दूसरे शब्दों में, सबकी अपनी अपनी निजी भूमि होगी। संपूर्ण देश परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने समय में उन्हें वह देश दे देगा। मेरे मित्रों, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों के साथ वाचा बांधी, वैसी ही उसने हमारे साथ भी वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हमें मसीह में सब आत्मिक आशीषें दी है। स्पष्ट है कि दाऊद समझता था कि परमेश्वर ने उस देश के लिए उनके साथ वाचा बांधी थी। हम पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 18 से 22 पद में आगे पढ़ते हैं, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर ने पितरों पर अपना सुरक्षा का हाथ रखा हुआ था जब वे वहां विचरण करते थे। जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यह मुख्यतः अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में कहा गया है, परंतु यह हमारे संबंध में भी है। हमें परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाना या कुछ बोलने में अत्यधिक सावधान रहना है। इससे पहले कि आप अपने पादरी साहब या पास्टर की आलोचना करें, स्वयं से पूछें कि आप परमेश्वर के कार्य में सहायक हैं या बाधक। कई बार हम कलीसिया में मसीहियों को इस प्रकार की आलोचनात्मक बातें कहते हुए सुनते हैं जो उचित नहीं है। पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 23 से 25 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। जी हाँ, आज संपूर्ण सृष्टि कहरती हुई प्रतीक्षा करती है कि परमेश्वर के पुत्रों को मुक्ति मिले। वह दिन आता है जब संपूर्ण सृष्टि स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। उस समय मेरे मित्रों, हम ऐसा संगीत सुनेंगे जैसा पहले हमने कभी भी नहीं सुना हो। हम पहले इतिहास के पुस्तक 16 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियाँ ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। जी हाँ मेरे मित्रों, जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद मूर्तियाँ किया गया है, उसका मूल अर्थ है शून्य वस्तु, अर्थात मूर्तियाँ आकारक हैं या अभाव है। वे लकड़ी या पत्थर या धातु के टुकड़े हैं, वे पशु या वनस्पति या धातु हैं। इसकी तुलना में प्रभु परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहा गया है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 27 से 29 पद में हम पढ़ते हैं, उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य हैं, उसके स्थान में सामर्थ है और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी उपासना एक वैभवशाली आराधनालय में की जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि उसकी उपासना पवित्रता की सुंदरता में की जाए, उसके व्यक्तित्व की परिपूर्णता में की जाए। हम में से अधिकांश जन तो जानते भी नहीं है कि परमेश्वर की उपासना करना क्या है। इस समय जब आप इस भजन को पढ़ रहे हैं, तब क्या आपके मन में आमीन या यह की स्तुति या महिमा कहने का विचार नहीं उभरता है? एक नारद स्वरूप नहीं, मन की गहराई से, वाह कैसा अद्भुत है। हम पहले इतिहास के पुस्तक 16 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है सो प्रफुल्लित हों। वह दिन
आने वाला है। पहला इतिहास 16 अध्याय के 33 में आगे लिखा है, उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। मेरे मित्रों, पेड़ गाना गाएंगे, मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। आप पूछेंगे वे कैसे गाएंगे, मैं नहीं जानता। आप और मैं उसी दिन जानेंगे कि पेड़ कैसे गाना गाते हैं। वह एक अद्भुत बात होगी, वह सब परमेश्वर की स्तुति के लिए होगा, सिर्फ उसकी महिमा के लिए। पहला इतिहास 16 अध्याय के 34 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, परमेश्वर दया में कम नहीं है। दया ही की तो मुझे आवश्यकता है, दया ही की आपको आवश्यकता है। आप आज उसके पास क्यों नहीं जाते? उसके पास आपकी आवश्यकता की पूर्ति है, वह आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 35 से 40 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें, और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यतुदून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इसराइल को दिया था। मेरे मित्रों, उन्होंने परमेश्वर के लिए मार्ग खुला छोड़ दिया। शाऊल के राज्य में तो आराधना और बलिदान समाप्त हो गए थे, अब दाऊद उसकी व्यवस्था का पालन करता है। वाचा का संदूक यरूशलेम में आ गया था और दाऊद ने सेवकों की नियुक्ति भी कर दी थी, जो हर समय वाचा के संदूक के समक्ष सेवा करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें दाऊद के राज्य सचिव, वित्त सचिव या संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रतिनिधियों के नामों की अपेक्षा वाचा के संदूक के सेवकों के नाम दिए गए हैं, जो परमेश्वर की आराधना और उसके राज्य की आत्मिक विषयों की सुधि लें। हम पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय के 41 पद में पढ़ते हैं, और उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर को धन्यवाद कहने का यही एक कारण है, यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 42 और 43 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जो अंतिम पद है, लिखा है, और उनके संग उसने हेबान और यदुतून के बजाने वालों के लिए तुरहियां और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए, और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम ले आया और उसे तंबू में स्थापित करके आराधना आरंभ की, तथा संगीत एवं सेवकों की नियुक्ति भी उसने की, क्योंकि उसने कहा यहोवा की करुणा सदा की है। यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 17 में देखते हैं कि वह परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाने की लालसा प्रकट करता है। परमेश्वर उससे ऐसा प्रसन्न हुआ कि वह दूसरे शामुएल के पुस्तक 7 अध्याय को दोहराया है। आइए हम पढ़ें, पहला इतिहास उसके 17 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। मेरे विचार में पिछली रात वर्षा हुई थी और महल की छत पर स्वतः ही आवाज़ सुनकर उसे परमेश्वर की वाचा के संदूक का ध्यान आया होगा कि वह तंबू में वास कर रहा है।
अतः दाऊद ने नातान के समक्ष अपनी मनोकामना प्रकट की कि वह परमेश्वर के लिए एक भवन बनवाना चाहता है। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला इतिहास 17 अध्याय के 2 पद में लिखा है, नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। जी हाँ, नातान ने अपनी समझ से जो उचित समझा सो कह दिया। मुझे नातान से सहानुभूति है। अब यहाँ एक भविष्यद्वक्ता की चूक का उल्लेख है, परमेश्वर उसे सुधारता है। पहला इतिहास 17 अध्याय के 3-5 पद में लिखा है, उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। परमेश्वर सदा ही अपने लोगों का अभिन्न अंग बनता है और यही कारण था कि उसने मानव रूप भी धारण किया। मेरे मित्रों, पुराने नियम में वह अपनी प्रजा से तंबू में भेंट करता था, क्योंकि वे लोग भी तंबू में रहते थे। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला इतिहास 17 अध्याय उसके 6 पद में, जहां जहां मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इसराइल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? मित्रों ध्यान दीजिए, जब इसराइल प्रतिज्ञा के देश आ गया तब उन्होंने अपने अस्थायी निवास बना लिए थे, परंतु परमेश्वर के लिए एक अस्थायी मंदिर नहीं था। इसके उपरांत भी परमेश्वर ने कहा कि उसने कभी शिकायत नहीं की कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया, परंतु दाऊद के मन में यह लालसा उत्पन्न हुई। पहला इतिहास 17 अध्याय उसके 7-8 पद में हम पढ़ते हैं, सो अब तू मेरे लिए अर्थात मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने नातान से कहा कि वह दाऊद तक उसका यह संदेश पहुंचाए, मैंने तो तुमको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। परमेश्वर ने दाऊद को पृथ्वी के महापुरुषों की नाई महान बनाया। दाऊद इतिहास का एक महान पुरुष था। पहला इतिहास 17 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि एक दिन वह इसराइल को उस निश्चित स्थान में ठहराएगा और वे शांति से रहेंगे। उस दिन वे यहोवा परमेश्वर के निकट आएंगे। वह दिन अभी दूर है। आज इसराइल में रूढ़िवादी दृष्टिकोण स्वीकार करने के बारे में विभाजन है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं होगा। पहला इतिहास 17 अध्याय के 10 पद में लिखा है, उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इसराइल के ऊपर न्याय ठहराता था, सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा, फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। मित्रों, क्या यह हमारे परमेश्वर ही किसी अपनी बात नहीं है? दाऊद ने कहा था, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू मेरे निवास के लिए घर बनाने ना पाएगा, तेरे हाथ रक्त रंजित हैं, मैं तुझे मंदिर नहीं बनाने दूंगा। यह दाऊद के मन में था कि वह परमेश्वर के लिए भवन बनाए, इसलिए परमेश्वर ने उसे इसका श्रेय दिया। पहले इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसके 11-12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अब ध्यान दीजिए,
यह कौन है? कुंवारी मरियम को दिए गए परमेश्वर के संदेश पर ध्यान दें, जिसे हम लुकार्चे सुसमाचार एक अध्याय उसके 31 से 33 पद में पढ़ते हैं कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। वह महान वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद से बांधी थी मसीह यीशु में पूरी हुई। पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझ से पहले था हटाई, वैसे ही मैं उस पर से न हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा, और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर गंभीर है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करेगा और मसीह यीशु उस राज्य की स्थापना के लिए आने वाला है। पहला इतिहास 17 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, यह संपूर्ण संवाद दूसरे सामुएल की पुस्तक अध्याय 7 में था, जिसे परमेश्वर यहाँ पर दोहराता है क्योंकि उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। हम पहला इतिहास 17 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊद की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए, मैं तेरी भलाई, तेरा अनुग्रह और तेरी दया को समझ ही नहीं पाता हूँ। मेरे मित्रों, मैं एक और मनुष्य हूँ जो यही बात कह सकता है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा भला क्यों है? परमेश्वर आपके साथ ऐसा भला क्यों है? हमारा परमेश्वर दया में कम नहीं है, क्या वह कम है? जी नहीं, उसके पास आना और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध साधना हमारा संपर्क साधन उसका वचन है। वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। पहला इतिहास 17 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, और हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। मेरे प्रियो, यह एक अद्भुत कथन है। वे आने वाले की बाट जो रहे थे, वह स्त्री का पुत्र होना था, उसे अब्राहम का वंशज होना था, उसे यहूदा के गोत्र से होना था, और अब हमें बताया गया है कि वह दाऊद का कुटुंबी होगा। दाऊद से पूर्ण था कि मसीह उसकी वंशावली में होगा, और इससे दाऊद आनंदित था। पहला इतिहास 17 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी अपना मन परमेश्वर के समक्ष ऐसा खोल दिया कि उसके कहने के लिए या आगे कुछ बचा ही ना हो? दाऊद का हाल ऐसा ही था, उसने अपना मन खोल कर रख दिया था, यहां तक कि उसके पाप कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं था, वह परमेश्वर के समक्ष मुक बैठा था। पहला इतिहास 17 अध्याय के 19 पद में आगे देखते हैं, हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। मित्रों, क्या परमेश्वर ने यह सब दाऊद के लिए इसलिए किया था कि वह एक अच्छा मनुष्य था? जी नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया कि हम अच्छे मनुष्य थे? जी नहीं, उसने हमें अपने अद्भुत अनंत अनुग्रह के कारण बचाया है। वह अनेक विशेष संदर्भ हमारे लिए करता है, सद्कर्म करता है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, परंतु इसलिए कि वह भला है। दाऊद परमेश्वर का वचन सुनकर आनंद से पूर्ण हो गया था, अतः इसमें आश्चर्य नहीं कि वह ऐसे मधुर भजन गाता है। मेरे मित्रों, हम पहले इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसके 20 से लेकर के 27 पदों को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर पाना कैसा सौभाग्य की बात है। दाऊद इसराइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को दोहराता है, वरन उस पर अचंभा भी करता है। इतना ही नहीं, दाऊद ने विश्वास किया, वरन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर किया। आज आप किस पर निर्भर हैं? मेरे मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने मनों को खोल दें, उस पर निर्भर हो जाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसकी महिमा, उसके भजन के गीतों को गाएं।